अभी तक मेरे ख्याल में मुझे आधा घंटा हो गया हाइकिंग करते हुए, अभी तक मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मेरे ख्याल में अब डिस्टेंस थोड़ा ही रह गया। ये है जी वो व्यू जिसके लिए आप टॉप पे आते हैं, सामने वो पासुकॉन्स और ये नीचे सारी अताबाद लेक, वो टनल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल हुसैनी ब्रिज और चाइना बॉर्डर खुंजराब पास करके रात को मैं हुंजा में ठहर गया था। ये होटल है, ये साथ एक रेस्टोरेंट है रिवायत रेस्टोरेंट, इसके साथ ये रेस्टोरेंट है गणेश इन हुंजा होटल। तो यहाँ पे मैंने रात गुजारी थी। अभी सुबह के 8 बज गए और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अताबाद लेक, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। लें जी, मैं यहाँ गणेश से निकल पड़ा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ बसकोची टॉप की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो मेरे ख्याल में मैं उधर आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। कल जब मैं खुंजराब पास कवर करके वापस आ रहा था तो रास्ते में रात हो गई। मेरा इरादा तो था कि मैं बसकोची टॉप के इर्द गिर्द कोई होटल ले लूँ, लेकिन ईद के रश की वजह से सारे होटल फुली बुक थे। इसलिए फिर मुझे एक लोकल बंदे ने मशवरा दिया कि आप अताबाद लेक से आधा घंटे आगे जाओ हुंजा की तरफ, तो रास्ते में एक इलाका आता है गणेश, उधर आपको होटल मिल जाएगा। तो मैं जब इधर पहुंचा तो इधर भी सारे होटल बुक थे, लेकिन फिर एक होटल मिल गया गणेश इन, वहां पे एक ही रूम खाली था, फिर रात उधर ही आराम है। ये जी इस वक्त हमारे सामने अताबाद लेक टनल नंबर 1 आ गई है। शुक्र है इस टनल में लाइटिंग का इंतजाम है, वरना इससे पहले मैं जितनी भी टनल में से गुजरा हूँ सब में अंधेरा होता है। और कल चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हुए तकरीबन 12 टनल्स में से गुजरा हूँ, उन 12 टनल्स में से जो चौथे नंबर पे टनल थी उसमें इतना ज्यादा अंधेरा था कि बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता था। सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे वहां पे हुई, टनल्स में लाइटिंग का इंतजाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टनल नंबर 2। टनल नंबर 2 क्रॉस करेंगे ना तो ये आपको अताबाद लेक का व्यू मिलेगा, बहुत खूबसूरत लेक है। अब जी हमारे सामने टनल नंबर 4 आ रही है, जब हम इस टनल नंबर 4 को क्रॉस करेंगे ना तो फिर आएगा बसकोची टॉप। लें जी टनल नंबर 4 हमने क्रॉस कर ली है, अब बस यहाँ पे कहीं पे बाइक पार्क करता हूँ और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये इधर बसकोची रिजॉर्ट एंड होटल है, उसके साथ ही एक टक शॉप है, वहाँ पे मैंने अपना बैग और हेलमेट रखवा दिए। अब मैं जा रहा हूँ बसकोची पॉइंट की तरफ। अगर आप हाइकिंग नहीं करना चाहते तो नीचे से भी अताबाद लेक का बहुत खूबसूरत व्यू है। वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना आपको, वो पासुकॉन्स हैं, ये सारी अताबाद लेक है। और इस तरफ ये कोयटा कैफ़े, जिधर से मैं नाश्ता करने लगा हूँ, सुबह से नाश्ता नहीं किया तो मैंने कहा हाइकिंग से पहले नाश्ता कर लें। और ये कोयटा कैफ़े के पीछे से ही ना ट्रैक स्टार्ट हो जाता है बसकोची टॉप को। नाश्ता मेरा आ गया है, अंडा पराठा, चाय अभी आ जाएगी। लें जी नाश्ता कर लिया, अब हाइकिंग स्टार्ट की जाए। अभी तक तो जी हाइकिंग ठीक जा रही है, हर हाइकिंग स्टीप तो होती ही है, ये भी स्टीप है लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक तो स्टीप नहीं है। और मुश्किल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये ऊपर से आबशार आ रही है,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। वो ऊपर से पानी गिर रहा है और ये सारा आ रहा है, ये नीचे तक जा रहा है, और ये सामने अताबाद लेक और वो पासुकोन्स। ये रास्ते में एक डायरेक्शन बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है बसकोची मीडोज कैंपिंग साइट, और नीचे कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अभी तक मेरे ख्याल में मुझे आधा घंटा हो गया हाइकिंग करते हुए, अभी तक मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अगर आपने नांगा पर्वत बेस कैंप और राकापोशी बेस कैंप किया हुआ है तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। लें जी, अभी मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि मैंने नांगा पर्वत बेस कैंप और राकापोशी बेस कैंप किया हुआ है तो ये हाइकिंग मेरे लिए कोई मसला नहीं, बस ये कहने की देर थी कि मेरी टांग में दोबारा से शदीद पेन स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल में अब डिस्टेंस थोड़ा ही रह गया, लें जी मैं बसकोची टॉप पे पहुंच गया हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगे हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी एक टांग के घुटने में दर्द है और एक टांग के टखने में दर्द है, उसके बावजूद मैं इधर बगैर रेस्ट किए, बगैर बैठे, कोई पानी ब्रेक लिए बगैर मैं यहाँ पे 45 मिनट में पहुँच गया हूँ। अगर आप फिट हैं तो आपको मुझसे हाफ टाइम लगेगा। और ये वो व्यू है जिसके लिए आप आते हैं, ये है जी वो व्यू जिसके लिए आप टॉप पे आते हैं। सामने वो पासुकोन्स और ये नीचे सारी अताबाद लेक, वो टनल नंबर 5, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आखिरी एक मिनट है ना हाइकिंग का, वो ख़तरनाक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पे चट्टान है ना, वहाँ से आप जब आगे आते हैं ना तो कोई ट्रैक नहीं, सिर्फ एक पांव रखने की जगह है, और ये देखें यहाँ से आप फिसल भी सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप वहीं पर रुक जाएँ और वहीं से नज़ारा कर लें। आखिरी एक मिनट आपने हाइकिंग ना भी की तो कोई बात नहीं, टॉप पे आप पहुंच गए, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लें जी, अब यहाँ पे मैंने 2 मिनट रेस्ट की है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। लें जी, इस वक्त मैं नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतरते हुए हमेशा आपने एहतियात करनी होती है क्योंकि पत्थर होते हैं, तो आराम आराम से उतरना होता है ताकि पाँव स्लिप ना हो आपका। लें जी, बसकोची टॉप कंप्लीट करके मैं नीचे आ गया हूँ। कल मेरा इरादा था कि मैं कल पहले बसकोची टॉप करता, उसके बाद हुसैनी ब्रिज और उसके बाद खुंजराब टॉप, लेकिन एक तो कल मैंने ज़रा लेट स्टार्ट किया, फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया कि पहले आप खुंजराब पास कर रहे हो, बहुत दूर है, तो वापसी पर आप फिर ये बसकोची टॉप कर लेना। तो जाते हुए फिर हुसैनी ब्रिज पर मैं रुका,
वहाँ पे एक घंटा लग गया, रश बहुत ज़्यादा था। फिर जब खुंजरा पास करके मैं आया तो रात हो चुकी थी, इसलिए फिर ये आज कंप्लीट किया। अब यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करूँगा और फिर निकलता हूँ यहाँ से। और अगर आपको हाइकिंग का शौक़ नहीं है तो अपने आप को मुसीबत में मत डालें, यहाँ सड़क पे भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा अताबाद लेक का, या आप नीचे भी जा सकते हैं बोटिंग वगैरह करने। ये पूरी जो रोड है कराकरम, इसके साथ आपको कई जगह मिलेंगी जिधर आप रुक के अताबाद लेक का नज़ारा कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लेक है। लें जी, 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा। और अभी जब मैं ट्रैक करके नीचे आया तो कुछ लोग गाइड हायर करके ऊपर जा रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा ट्रैक है जिसके लिए आपको गाइड हायर करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप हायर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो नांगा पर्वत बेस कैंप, राकापोशी बेस कैंप और ये जो ट्रैक की है बसकोची टॉप, ये गाइड के बगैर की है। लेकिन ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग गाइड के साथ ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं क्योंकि रास्ते में कुछ ना कोई ख़तरनाक जगह आ जाती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइड लेना चाहिए तो आप बेशक नांगा पर्वत बेस कैंप जा रहे हों, राकापोशी बेस कैंप जा रहे हों, या ये बसकोची टॉप जा रहे हों, आप ज़रूर हायर करें क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। लें जी, मैं हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के करीब पहुंच चुका हूं। ये नीचे को रास्ता जो जा रहा है, ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज को जा रहा है, यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है। और कल जब मैं वापस आया था तो रात हो गई थी, तो मैं बोरिथ लेक नहीं कवर कर सका था। वो सुना यहाँ पे 5 मिनट के फासले पे, अब मैं बोरिथ लेक जा रहा हूँ।